हेलो एवरीवन, आज वाली वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं स्कॉर्पियो एन वर्सेस स्कॉर्पियो क्लासिक। अब ये दोनों ही कार्स के बेस वेरिएंट रहेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट साइड से। अब फ्रंट से अगर हम स्टार्ट करें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको सिमिलर ग्रिल मिलेगी जो कि ब्लैक फिनिश के अंदर आएगी, एंड सेंटर में आपको न्यू महिंद्रा का लोगो भी मिल जाएगा। हेडलैम्प्स की बात करें तो दोनों ही स्कॉर्पियो के अंदर आपको हैलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। अगर आप इनके टॉप एंड वेरियंट्स लेंगे तो इसके अंदर आपको एलईडी डीआरएल्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगे। एंड जैसे कि ये दोनों ही बेस वेरिएंट है तो आपको किसी के अंदर भी फॉग लैंप्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। साइड से बात करें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको ब्लैक फिनिश के अंदर फुल बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है। स्कॉर्पियो क्लासिक थोड़ी ज्यादा बल्की लगती है साइड से। बात करें टायर साइज की तो दोनों के अंदर आपको 17 इंचेस के स्टील व्हील मिलेंगे विदाउट एनी व्हील कवर्स। स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको एक एडवांटेज मिल जाता है कि जो आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे ये ओआरवीएम्स के ऊपर मिलेंगे, जबकि स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर जो इंडिकेटर्स मिलेंगे फेंडर के ऊपर मिलेंगे, जो कि इतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे। रही बात ओआरवीएम्स और डोर हैंडल्स की तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेंगे। एंड अगर आप इन दोनों में से कोई भी कार लेते हैं तो आपको काफी सारी मॉडिफिकेशंस करानी पड़ेंगी, जैसे कि रूफ रेल्स, अलॉय व्हील्स एंड फॉग लैंप्स। अब बात करें रियर साइड से तो दोनों के अंदर आपको काफी ज्यादा अग्रेसिव लुक्स मिलती हैं। अब आपकी स्कॉर्पियो क्लासिक भी न्यू लोगो के साथ आएगी। टेल लैंप्स की बात करें तो स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे, जबकि स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आपको हैलोजन टेल लैंप्स मिलेंगे। एंड दोनों में से किसी भी कार के अंदर आपको रियर वाइपर, वॉशर और डिफॉगर नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं इंटीरियर्स के ऊपर। ये आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट जो कि है एस वेरिएंट। इंटीरियर से आपको काफी सारे फीचर्स मिसिंग लगेंगे, जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम। जबकि अगर हम बात करें स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट की तो इसके अंदर आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की भी बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आपको काफी बेसिक मिलता है, जबकि स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको 4.1 इंचेस की एक MID मिल जाएगी। अब बात करें ORVMs की एडजस्टमेंट की तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs नहीं मिलते, आपको इनको जॉयस्टिक से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। बात करें डैशबोर्ड के लेआउट की तो स्कॉर्पियो क्लासिक एक्सटीरियर से तो काफी अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इंटीरियर से बात करें तो इसका डैशबोर्ड काफी ज्यादा ओल्ड लगता है, जबकि स्कॉर्पियो एन के अंदर आपको काफी ज्यादा मॉडर्न इंटीरियर्स मिल जाती है एंड काफी ज्यादा प्रीमियम कार लगती है वो। अब इंजन ऑप्शन की बात करें तो दोनों ही कार्स के अंदर आपको सिमिलर डीजल इंजन मिलेगा जो कि है 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन, जो कि 130 bhp की पावर निकालता है एंड 300 nm का टॉर्क। अगर आप स्कॉर्पियो एन के ऊपर वाले वेरिएंट्स लेंगे तो इसके अंदर आपको थोड़ा ज्यादा पावरफुल वाला डीजल इंजन मिलेगा। पेट्रोल इंजन की बात करें तो वो आपको खाली स्कॉर्पियो एन के अंदर मिलेगा, जो कि है 2 लीटर एम स्टेलियन पेट्रोल इंजन, जो कि 200 bhp की पावर निकालेगा एंड 370 nm का टॉर्क। सेफ्टी की बात करें तो स्कॉर्पियो एन महिंद्रा के न्यू डिजाइन लैंग्वेज पे बेस्ड है, तो ये काफी ज्यादा सेफ है, जबकि स्कॉर्पियो क्लासिक को ग्लोबल एंड कैप की तरफ से 0 out of 5 star की सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। सो अब हम आते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। मेरे अकॉर्डिंग अब सब कुछ डिपेंड करेगा इनकी प्राइसिंग के ऊपर, लेकिन फिर भी दोनों ही कार्स की डिमांड अपनी अपनी जगह है। किसी को स्कॉर्पियो क्लासिक पसंद है और किसी को स्कॉर्पियो एन। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज।